आकाश, आज तो सबसे बात करना बनता है। हेलो हाँ आकाश, प्रणाम मैम। खुश है? जी बिल्कुल, बताओ, हाउ इज लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? हाँ जी हेलो मैम। आकाश, बताइए क्या है, मतलब लाइफ में कुछ बदलाव आया है सिलेक्शन के बाद? हाँ मैम, 4-5 दिन तो हो गया, पर मतलब घर पे तो सेलिब्रेशन ही चल रहा है। तो पापा सेलिब्रेशन, मम्मी बहुत खुश है। मम्मी तो सारे पूजा करने रिलेटिव्स के लिए वगैरह का गया भी है। फोन आ रहा है होगा? हाँ, कुछ लोगों से फोन तो आ रहा है। माँ तो मम्मी तो पूजा में गई है ओके, सिलेक्शन के बाद, इसलिए घर पे कोई नहीं है। पर जब हुआ बहुत ही खुश थे हम। मेरे माँ मेरे पास थी बट, और मैंने पापा को फोन किया तो उन नंबर जो था तो कुछ होगा, कुछ पोस्ट तो हो जाता, पर एक्साइज मिला है मुझे, तो अच्छी बात है। उसके लिए बहुत खुश है सब सब लोग। मुझे भर भर के सिलेक्शंस चाहिए थे और मुझे भर भर के मिल गया। हाँ मैं तो हमारे अपने जो, फ्रेंड्स को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि इतना लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे बातें कर रही हूँ। हाँ हमारे जो ग्रुप थे वहां पे तो देखा बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शंस दिए, हाँ तो फिर क्या है आगे का, क्या प्रोग्राम है अभी? जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्या करोगे, क्या रहेगा मैम प्रोग्राम? मैम, मैं थोड़ा क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस जा रहा हूँ, और कुछ नहीं गोवा नहीं जाओगे अभी। घूमने? गोवा जाओगे अभी हाँ या ज्वाइनिंग के बाद? शायद ज्वाइन के बाद देखते। ज्वाइन के बाद जाने का टाइम नहीं मिलता मैम। हाँ, ये भी है, मिल जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। अशोक का एक्सपीरियंस है कि ज्वाइनिंग के बाद टाइम नहीं मिलता है, बट मिल जाएगा, वो टाइम निकाल होगा। चलिए, आप पूरा सेलिब्रेशन प्लान मीटिंग करिए। आप लोग के दिवाली के समय के जस्बात, रिजल्ट आया, दिवाली भी अच्छी है, न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैम से जल्दी छुटकारा मिले, ये दोबारा लौट के ना आए क्लोस्टेस्ट बनवाने के लिए मेरे हाँ को। मैम, हाँ और बोलिए। हाँ मैं 2020 का बैच पहले ही अटेम्प्ट है मेरा, तो ओके, मैं जब लॉकडाउन आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कहाँ पे पढ़ने जाऊँ क्या करूँ, इससे कोई मुझे हल नहीं मिल रहा था। तो पहले मैं अभिनय सर का और आपका क्लास देखता था यूट्यूब पे, तो वहां से मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे करूं, इसलिए यस, मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया। और अभी तो हाँ मैं आपका, जब भी यस बोर, वो दीदी ने जब बोला मैम, कि बोर होते थे तो आपकी क्लास देखते, सच में जब कुछ करने का मन नहीं करता था मैम तो आपका क्लास देख लेते था। और ये नहीं कि मैथ्स की तरह ये हेक्टिक है, ये सो सो के भी कर मेरे सकते को थे। एक चीज बहुत अच्छा लगा आज, हाँ मतलब पहली बार ये कमेंट मुझे सुनने को मिला कि लोग बोर होते हैं ना तो गाना सुनते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आज ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोग बोर होके ना मेरी क्लास भी देखते हैं। नहीं मैम, बोर पढ़ने का तो बहुत कुछ होगा था, पर जब बोर होते थे तो आपके क्लास में जो पोल वाला सेक्शन था उसमें तो बहुत मजा आता था कि हमें फर्स्ट आना है, और सब लोग को देखते थे कि सब लोग आंसर देते थे, आपको पोल में अच्छे रिजल्ट चाहिए थे, इसलिए वो अच्छा लगता था। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का फीडबैक, मैंने अनअकैडमी वाला देखा कि आप लोग को पोल बहुत पसंद आ रहा है। पहले मैं पोल नहीं देती थी, लेकिन मैंने देखा, हाँ मैंने आप ही लोग से सीखा कि पोल देने से ना बच्चों के अंदर वो कंपटीशन वाला स्पिरिट आता था। मुझे लगता था ना पोल में टाइम लगता है, मैं 50 क्वेश्चन की जगह 30 ही करवा पाती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट सेकेंड आने के। डांट देती थी, आप डांट भी देती थी, हाँ आप डांट भी देती थी, अगर कोई पोल मांगता था आप डांट देती थी कि पोल है तो भाग जाएगा, पोल चाहिए तो लेकिन मेरी शुरू डांट, लेकिन अच्छी बात शुरू है में। ना, आप लोग मेरी डांट का बुरा नहीं मानते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं मैम, आप तो अच्छे के लिए बोलते था। हैं। मैंने तो मैम आपका शुरू से आखिरी तक मतलब रिकॉर्डिंग ही देखा है, मैं तो ये सोचा था कि आप मुझे कभी जान ही नहीं पाएंगी कि मैं इतना पुराना आपका स्टूडेंट हूँ। मेरे पास एक टेलीपैथी होती है, ठीक है, मुझे दिखे या नहीं दिखे मुझे पता चल जाता है ये मेरा स्टूडेंट है। ओके, मुझे ना आप लोगों के एज के कोई कहीं दिख जाते हैं ना, तो मुझे लगता है ये तो देखा देखा लग रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे घर के लोग भी बोलते हैं तुम्हारा, दुनिया का सब लोग जो 19 से 25 साल के बीच में सारे स्टूडेंट ही दिखते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं मेरे स्टूडेंट तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आकाश सबसे बात करके। चलिए, आप इंजॉय करिए, आगे ग्रो करते रहिए।